ग्वालियर जिले में लक्ष्मण सिंह के पीएम मोदी के ध्यान लगाने से जुड़े पोस्ट का ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने समर्थन किया है। बता दें कि मंत्री तोमर सिंह का कहना है कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, विपक्ष एजेंडा विहीन है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति में जिंदा बने रहे, इसलिए यह सब करते हैं। विपक्ष, मैंने फिर कहा, विपक्ष के पास कोई एजेंडा है क्या? विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा विहीन विपक्ष, सिर्फ अपने को राजनीति में जिंदा रखने के लिए अलग अलग बातें करना, टिप्पणी करना, उस पर रिएक्शन हो तो इससे वो राजनीति में जिंदा बने रहे। वही दलित और आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर कांग्रेस द्वारा बनाई गई कमेटी पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने तंज कसा है। दरअसल मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जैसे ही दलित आदिवासी से जुड़े मामले की सूचना मिलती है तो वह खुद मौके पर पहुंचते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस को तो सिर्फ बोलना है, उनकी कमेटी से कुछ नहीं होगा। यह कमेटी सिर्फ भ्रांति फैलाएगी, इनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। देखो, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव, जैसे ही सूचना मिलती है वहां पहुंचते हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जरूरत होती है तो उनके मकान ढहाए जाते हैं, और गुंडागर्दी को कोई भी स्थान हमारी सरकार में नहीं होगा, मध्य प्रदेश में नहीं होगा। उन्हें तो सिर्फ बोलना है, मैंने कहा कमेटी कुछ नहीं, भ्रांति फैलाएंगे, जनता में भ्रांति फैला करके राजनीति में जिंदा रहना चाहते हैं, और कोई मुद्दा नहीं। इसके तहत ही दलित आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर जीतू पटवारी के पोस्ट पर भी ऊर्जा मंत्री ने तीखा जुबानी हमला बोला है। बता दें कि मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने पीसीसी चीफ से सवाल किया है कि उन्हें प्रदेश से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, वह हाईकोर्ट जाएंगे, कहीं भी जाएं, लेकिन कोर्ट कचहरी बाद में है, पहले महिलाओं का सम्मान जरूरी है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं के साथ सम्मान करना जरूरी है। उनका महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार है, पहले उस पर टिप्पणी करें। मैंने कहा उसके लिए टिप्पणी करें, पहले प्रदेश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, उसके बाद बात। एक तरफ वो माफी मांग रहे थे इमरती जी से, दूसरी तरफ हाईकोर्ट पहुंच गए, उनसे जवाब मांगा जा रहा है इमरती जी से। मैंने कहा वो कहां जाए वो उनका प्रश्न है, पर महिलाओं का सम्मान करना, कोर्ट कचहरी बाद में है, भारतीय संस्कृति है, मर्यादा में रहकर महिलाओं के साथ पूरे उनके सम्मान का ख्याल रखना है।